हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत पफ स्लिप डिजाइन आप सभी को साथ शेयर करेंगे, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस फैब्रिक को हम ले लिए डबल फोल्ड में और इसको पहले मेजरमेंट कर लेंगे। तो इसके लंबाई हमने रखे है 19 इंच, इसके चौड़ाई लेंगे 8 इंच और नीचे के ओर से मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ पर ली है 5 इंच। अब यहाँ से हमें लेनी है 5 इंच, 5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग होने के बाद इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर जहाँ पर हमने कटिंग की है छोटा सा, वहाँ पर ही इस प्लेटेस को लगाना स्टार्ट कर देनी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से इस प्लेटेस को लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो छोटी छोटी यहाँ से पहले प्लेटेस को हम डाल लेते हैं। जहाँ तक हमने कट लगाई हुई थी वहाँ तक इस प्लेटेस को पहले हम लगा लेंगे। तो एक ही नाप में इस प्लेटेस को रखना है और इस प्लेटेस को अच्छे से बिठा लेनी है। बिठाने के बाद इसको स्टिचिंग कर लेंगे। तो नीचे की ओर हमें कंप्लीट करने के बाद ऊपर के ओर जो हमारा स्लीव्स के प्लेटेस है उसे भी हम पक्का करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से नीचे के ओर जितना सारा हमारा प्लेटेस बनता है उसे लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक भी चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल के सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस करना। जब भी हम नए नए वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले मिले आपको। तो देखिए, यहाँ पर नीचे की ओर हमने प्लेटेस लगा के तैयार कर ली है। तो यहाँ पर मेजरमेंट करते हुए देख लेंगे, 7 इंच सही होगा तो हमें 7 इंच मिल चुकी है। अब ऊपर के साइड को भी हमें इस तरीके से स्टिचिंग करना होगा क्योंकि जो हमारा प्लेटेस है उसको लुक काफी उभर के आएगी। तो इसको हम अच्छी तरीके से पकड़ेंगे और इसके बाद यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे। तो एक के ऊपर एक रखते हुए इस प्लेटेस को लगा लेते हैं। आप लगाने के बाद यहाँ पर आयरन से प्रेस भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर चलिए फटाफट से ऊपर के साइड को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से ऐसे ही घुमाना है और इसको स्टिचिंग कर लेनी है। तो ऐसे ही इस प्लेटेस को अच्छी तरीके से स्टिचिंग करना होगा। तो हमारा जो ऊपर के साइड है वो लगभग तैयार हो चुकी है और कुछ इस तरीके से इसके लुक आ रही है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक, एक्स्ट्रा धागा हमने सब कुछ कट कर ली है। कट करने के बाद अब नीचे के पट्टी तैयार करेंगे। तो नीचे के पट्टी हमने रेड कलर में ली है। इसके लंबाई है 14.5 इंच और इसको चौड़ाई है 5.5 इंच। नीचे के ओर लाइनिंग, हम ऊपर के ओर लाइनिंग लेंगे और मेन फैब्रिक नीचे पे रखेंगे और थोड़ी सी मार्जिन छोड़ते हुए इसे स्टिचिंग कर लेनी है। दोनों साइड ही हमें थोड़ी सी मार्जिन छोड़ते हुए इसे स्टिचिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से इसको स्टिचिंग करना होगा। स्टिचिंग करने के बाद दूसरे साइड इसको प्लेट लेनी है। तो दूसरे साइड प्लेट लेने के बाद कुछ इस तरीके से इसके लुक आई है। अब इस तरीके इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर आयरन के सहायता से भी अच्छे से प्रेस कर सकते हैं। तो ऊपर के साइड, चारों साइड इसको हम पहले स्टिचिंग करके इस पट्टी को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पट्टी है वो लगभग तैयार हो चुकी है। अब इसमें डिजाइन क्रिएट करेंगे। डिजाइन क्रिएट करने के लिए हमने सिंपल सा चीज यूज किए हैं। आप चाहो तो ऐसे जीन्स यूज करके खूबसूरत डिजाइन बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने आयरन के सहायता से चिपका ली है। चिपकाने के बाद कुछ इस तरीके से इसका लुक आई है। अब इसको हमें ऐसे ही रखना है और इसको सीधा स्टिचिंग कर लेनी है। तो हमने पहले मेजरमेंट करके देख ली थी तो यहाँ पर थोड़ी सी हमारा मार्जिन बच रही है। तो पहले हमने थोड़ी सी मार्जिन छोड़ देंगे और लास्ट में हम थोड़ी सी छोड़ देंगे। तो हमारा जो स्लीव्स के नीचे वाला हिस्सा है वो अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से इसको देखने में लग रही है। अब डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इसको मेजरमेंट कर लेंगे। तो देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, नीचे के ओर हमने यहाँ पर लेस लगाई है जो कि डिजाइनर लेस है। आप चाहो तो कोई भी डिजाइन के लेस यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लेस लगाए हैं। इसे सीधा रखते हुए और इसको स्टिचिंग कर लेनी है। हमने टोटल 4 लेस यहाँ पर यूज किए हैं। अब नीचे के ओर भी इस लेस को लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एक लाइक जरूर करना और चैनल में अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल के जरूर सब्सक्राइब करना। तो अब यहाँ पर हम रखेंगे
अच्छे से एडजस्ट करते हुए इस लेस को लगा लेनी है और थोड़ी सी अगर नीचे के ओर छूट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सिलाई मार्जिन में चले जाएंगे अंदर के साइड, तो इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ी सी छोटा हो रही थी लेस, तो कोई बात नहीं है इसको अंदर के साइड चले जाएंगे क्योंकि इसको साइज जो है वो 32 साइज में है। तो कुछ इस तरीके से हमने चारों लेस लगा के तैयार कर ली है, देखने में काफी खूबसूरत लगती है। आप कोई भी सिंपल ड्रेस के डिजाइनर ड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सोचा है कि गोल्डन पट्टी लगाएंगे लेकिन गोल्डन पट्टी उतना अच्छा नहीं लग रही थी, तो यहाँ पर गोल्डन मोती यूज किए हैं। तो पहले छोटी वाली ली है, फिर से उसके थोड़ी सी बड़ी ली है, फिर से उसके थोड़ी सी बड़ी ली है, उसके बाद सबसे बड़ी और नीचे के ओर भी सेम मोती लेते हुए इस डिजाइन को क्रिएट करेंगे। तो मिडिल में हमने सबसे बड़ी वाली मोती रखी है, उसके बाद थोड़ी सी छोटी, उसके बाद थोड़ी सी छोटी, कुछ इस तरीके से हमने हमारा पास जितना लेवल का मोती था हमने सारा यूज किए हैं। अगर आपका पास कोई भी साइज को, अगर आपके पास 2-3 साइज के मोती है तो इस डिजाइन को आप इजिली बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से गीट लगाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्टिचिंग नहीं हुई, तो यहाँ पर देखिए हमने गीट लगा दी है अच्छे से। फिर से यही डिजाइन रिपीट करना है, तो देखिए यहाँ पर फिर से हमने इसको लगा ली है और थोड़ी सी मार्जिन छोड़ते हुए इसे स्टिचिंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से लग रही है देखने में और देखने में काफी खूबसूरत लग रही है। आप चाहो तो ऐसे खूबसूरत खूबसूरत डिजाइन बनाकर पहन सकते हो, कस्टमर के लिए भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल के जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस करना। तो देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत डिजाइन बनके तैयार हो चुकी है, और ऐसे ही डिजाइन आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। तो देखिए कितना खूबसूरत सा स्लीव्स बनके तैयार हो चुकी है और इसको बनाना बहुत ही आसान है, और देखिए यहाँ पर कुछ ही चीजों में इस खूबसूरत डिजाइन का आप भी क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।